हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल। सो लेट्स टॉक अबाउट सम अदर डिफेक्ट ऑफ आई इन दिस वीडियो। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अगले डिफेक्ट का, एंड दिस इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया, है ना। इस डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं प्रेसबायोपिया। ओके, प्रेसबायोपिया क्या होता है? देखो भाई, प्रेसबायोपिया का एक और नेम है, दिस इज कॉल्ड एज ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। इसको हम लोग ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। एक तो ये नाम हो गया, दूसरा नाम एक और बोला जाता है। दूसरा नाम इसका क्या है भाई? तो वो है आपका ओल्ड एज साइटेडनेस भी बोलते हैं इसको, ओल्ड एज ओल्ड एज साइटेडनेस। ओल्ड एज साइटेडनेस। अब देखो, ओल्ड एज साइटेडनेस कहने का मतलब क्या? एक्चुअली द इलास्टिसिटी ऑफ लेंस, इलास्टिसिटी ऑफ लेंस बिकम डिफेक्टिव, है ना। लेंस की इलास्टिसिटी जो है वो डिफेक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है आई लेंस का वो डिफेक्टेड हो जाता है। पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई लेंस बिकम डिफेक्टिव। ओके, तो जब पावर ऑफ एकोमोडेशन मेरा चेंज कर जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, दिस इज नॉट ओनली हाइपरमेट्रोपिया। ये सिर्फ हाइपरमेट्रोपिया नहीं होगा, मतलब द डिफेक्टिव पर्सन अनेबल टू फोकस हिज आई प्रॉपरली on distant as well as near point। वो distant point पे और near point पे, दोनों पे focus नहीं कर सकता अपने आई को। ऐसे condition में क्या होगा, correction हम इसका कैसे करेंगे? correction के लिए हम लोग क्या use करते हैं? तो करेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस को अगर आप देखोगे ना, तो कुछ इस टाइप का स्पेक्टिकल यूज होता है ऐसा। देखो, मैं एक चश्मा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भावनाओं को समझेंगे कि भाई मैं चश्मा ही बना रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो आपने देखा होगा कुछ इस टाइप का लेंस यूज होता है, जो ओल्ड एज के लोग होते हैं ना, जिनका एज लगभग 40 और 50 के लगभग होता है, तो इस टाइप का लेंस यूज होता है, जिसमें ऊपर वाला जो आप लेंस देख रहे हो ना, दैट इज कॉनकेव, दिस इज कॉनकेव टाइप, और ये नीचे वाला जो लेंस देख रहे हो, दिस इज कॉन्वेक्स टाइप। तो कॉनकेव लेंस जो होगा वो किस चीज के लिए होगा? ये हमारा होगा फार पॉइंट के लिए, करेक्शन ऑफ फार पॉइंट के लिए होगा। और ये जो कन्वेक्स लेंस यूज हो रहा है, ये किसके लिए होगा? करेक्शन ऑफ
नियर पॉइंट के लिए। ओके तो ये हमारा हो गया प्रेस बायोपिया, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कैटरैक्ट के बारे में, कैटरैक्ट के बारे में, है ना। ये कैटरैक्ट क्या चीज़ है? अब देखो, कैटरैक्ट के बारे में बोला जाता है कि इसमें लेंस आइदर बिकम ट्रांसलूशेंट और ओपेक, है ना। या तो ये ट्रांसलूशेंट हो जाता है या ओपेक हो जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, रीज़न क्या है इसका? एक्चुअली में जो क्रिस्टलाइन लेंस जिस प्रोटीन का बना हुआ होता है ना, उसका डिनेचुरेशन हो जाता है। द प्रोटीन ऑफ आई लेंस बिकम डीनेचर्ड, मतलब उसका पैटर्न बदल जाता है। डीनेचर्ड मतलब क्या, उसका फिजिकल फॉर्म बदल जाता है ना, डीनेचर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से द इमेज फॉर्म्ड ओवर रेटिना, इमेज फॉर्म्ड ओवर रेटिना इज ब्लर्ड। ये आपका कैसा हो जाता है, ब्लर्ड हो जाता है ना। इमेज का फॉर्मेशन जो होता है वो ब्लर्ड विजन होता है, तो इसकी वजह से इमेज प्रॉपर वे में बन नहीं पाता, ठीक है ना। नाउ हाउ वी कैन ट्रीट, हम लोग इसको ट्रीट कैसे करेंगे? सो ट्रीटमेंट जो होता है ना, वो उसको हम लोग सिंपल वे में बोले तो बोलते हैं कैटरैक्ट सर्जरी, ठीक ना। कैटरैक्ट सर्जरी बोलते हैं हम लोग इसको। अब कैटरैक्ट सर्जरी में होता क्या है, जनरली क्या होता है इसमें, कि कैटरैक्ट सर्जरी में आर्टिफिशियल लेंस सर्जिकली इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है इन द प्लेस ऑफ आई लेंस, है ना। आर्टिफिशियल लेंस इंट्रोड्यूस सर्जिकली इन प्लेस ऑफ आई लेंस, है ना, जिससे ये विजन जो है वो अच्छा हो जाता है। तो ये हमारा हो गया क्या, कैटरैक्ट। दिस इज अबाउट कैटरैक्ट। अब हम लोग बात कर रहे हैं एस्टिगमेटिज्म का, एस्टिगमेटिज्म। अब हम इसका बात कर रहे हैं एस्टिगमेटिज्म। देखिए एस्टिगमेटिज्म क्या होता है, एस्टिगमेटिज्म के बारे में कहा जाता है कि ये एक्चुअली में डिफरेंसेस ऑफ कर्वेचर बिटवीन डिफरेंट मेरिडियन, कह सकते हैं डिफरेंसेस ऑफ कर्वेचर, डिफरेंसेस ऑफ कर्वेचर बिटवीन डिफरेंट मेरिडियन। डिफरेंट मेरिडियन कहने का मतलब क्या, कि जैसे वर्टिकल और हॉरिजेंटल एक्सिस आप कह सकते हो, है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजेंटल एक्सिस, ठीक ना। वर्टिकल और हॉरिजेंटल एक्सिस में डिफेक्ट हो जाता है, डिफरेंस इन कर्वेचर बिटवीन डिफरेंट मेरिडियन काउस्ट, है ना, इसकी वजह से होता है। जनरली ऐसा कहा जाता है कि आई बॉल जो होता है ना, वो प्रॉपर शेप में नहीं होने की वजह से ऐसा होता है, ठीक है ना। व्हेन आई बॉल इज नॉट इन प्रॉपर शेप देन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज अकर, व्हेन आई बॉल नॉट इन प्रॉपर शेप, जब आई बॉल प्रॉपर शेप में नहीं होता ना, जिसकी वजह से ये डिफेक्ट होता है। इसका करेक्शन कैसे करेंगे भाई, चलो करेक्शन देख लेते हैं हम लोग। करेक्शन के लिए एक्चुअली में सिलेंड्रिकल लेंस यूज किया जाता है, सिलेंड्रिकल लेंसेस यूज किया जाता है एक पर्टिकुलर एक्सेस का, ठीक है ना, ये यूज करते हैं। इसके अलावा
और एक 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 ग्लूकोमा का नाम आपने सुना होगा, ग्लूकोमा, GLAUCOMA, यस ग्लूकोमा है ना, ग्लूकोमा का नाम सुना होगा आपने। तो ग्लूकोमा क्या होता है भाई, इसको जनरल वे में हम लोग बोलते हैं काला मोतिया, है ना, ग्लूकोमा काला मोतिया बोला जाता है इसको, ग्लूकोमा। तो ग्लूकोमा में के बारे में कहा जाता है कि इंट्राऑकुलर प्रेशर जो होता है ना वो इंक्रीज्ड हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लॉक कर जाता है, एक स्पेसिफिक केनाल पाया जाता है। मैं लिख ही देता हूँ इसको, इंट्रा ऑकुलर, ठीक ही लिख रहा है, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर कह सकते हो आप, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर इंक्रीज्ड, इज इंक्रीज्ड कर देता हूँ मैं, इज इंक्रीज्ड है ना, ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ केनाल, एक स्पेसिफिक केनाल होता है ऐसे, उसको केनाल ऑफ स्केलम बोलते हैं, केनाल ऑफ स्केलम, ठीक है ना, केनाल ऑफ स्केलम बोला जाता है। तो केनाल ऑफ स्केलम जो होता है ना, उसकी वजह से, उसके ब्लॉकेज की वजह से ये कलम होती है, होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये सारे टॉपिक को प्रॉपरली समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल पे बने रहने के लिए।